नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल टेक हिंदी के न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मोबिक्विक के डाटा लीक के बारे में, किस तरह यहाँ पे मोबिक्विक ने अपने सर्वर से ये डाटा लीक किया है और यहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, आपको यहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशन आपको अपनाने पड़ेंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बाय डिटेल बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप करे स्टार्ट लेकर तक पूरी पूरी देखना। एंड मेरे वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो जाना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो को बिटा तब से मिस ना हो। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप सबको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि यहाँ पे मोबिक्विक के सर्वर से कल रात 8 या 8:30 बजे के करीबन यहाँ पे उनके सर्वर से काफी सारे डाटा को लीक किया गया है, काफी यूजर के डाटा को लीक किया गया और इसका जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे 10 लाख प्लस यानी कि अप्रोक्स 30 लाख कस्टमर के डाटा को लीक किया गया है डार्क वेब वेबसाइट पे। ओके, आप सभी जानते हो कि डार्क वेब एक ऑफिशियल इंटरनेशनल वेबसाइट है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ की जाती है, उसको हैकर यूज करते हैं डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा स्कैम हो सकता है। मोबिक्विक की तरफ से यहाँ पे एक रिप्लाई आया है कि उन्होंने कहा है कि ये जो सिस्टम पूरा हुआ है, ये जो पूरा स्कैम हुआ है, ये जो डाटा लीक हुआ है, ये पूरा तरीके से फेक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमारे सर्वर की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, हमारा सर्वर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। बट गाइस यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भी आपको डाटा यहाँ पे लीक हुआ है, हर एक डाटा यहाँ पे 100% ओरिजिनल है, 100% रियल है, कोई यहाँ पे फेक नहीं है। ओके, यहाँ पे आपके KYC डिटेल के साथ साथ यहाँ पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका डेबिट कार्ड की डिटेल, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल हर एक यूज़र को ऑफिशियली शो कर रही है। दोस्तों जैसे कि आप मोबिक्विक एप्लीकेशन यूज़ करते हो, काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हो, जैसे कि फ़ोन पे हो गया, भीम हो गया, इसी तरह मोबिक्विक एप्लीकेशन भी है। तो जैसे कि आपने एप्लीकेशन यूज़ किया उसमें आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भी करते हो, उसमें आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी करते हो, काफ़ी सारे डेबिट कार्ड को आपने लिंक भी कर रखा होगा, तो यहाँ पे आप समझ लो आपका हर एक डिटेल, आपकी हर एक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डार्क वेब वेबसाइट पे शो हो रही है। और यहाँ पे काफ़ी सारे हैकर ऑलरेडी वो सब जो डाटा है, वो सब जो डाटा आपने स्टोर कर रखा है आपके अकाउंट में जो पड़ा है, हर एक डाटा को वो ऑलरेडी सेव करके रख चुके हैं। अब उनको जब भी यूज़ करना होगा वो आपके डाटा को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के डिटेल के थ्रू यहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल होता है, अगर आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में इंटरनेशनल सेवा उपलब्ध है यानी कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो यहाँ पे वो हैकर जिसने हैकर ने आपका डिटेल यहाँ पे सेव की है, वो हैकर आपके अकाउंट से जितनी मनमानी वो अपना ट्रांजेक्शन कर सकता है उस डेबिट कार्ड और उस क्रेडिट कार्ड डिटेल के थ्रू। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा ये स्कैम यहाँ पे साबित हुआ है, मोबिक्विक की तरफ से ये सामने आया है और ये ओनली ऑन 1.5 बिटकॉइन के मारे किया गया है। ओनली 1.5 बिटकॉइन के लालच में 30 लाख प्लस यूजर का डाटा डार्क वेब वेबसाइट पे सेल करना एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे डिफॉल्ट इसको कह सकते हो। और यहाँ पे मोबिक्विक ने अपने तरफ से बिल्कुल बोल दिया कि मेरा सर्वर बहुत ही स्ट्रांग है, मेरे सर्वर के थ्रू यहाँ से कोई फॉल्ट नहीं है, बट यहाँ पे बहुत ही बड़ा फॉल्ट हुआ है, काफ़ी यूज़र का डाटा यहाँ पे लीक हुआ है। अब गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप इस पूरे प्रॉब्लम, इस पूरे सिचुएशन में आप यहाँ पे कौन कौन से प्रिकॉशन अपना सकते हो जिससे कि आपका यहाँ पे मनी सेफ हो सके, आपका बैंक अकाउंट सेफ हो सके। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मोबिक्विक एप्लीकेशन को डिलीट नहीं करना है, अनइंस्टॉल नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे आप जो भी कुछ करोगे इससे आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आपका डाटा लीक हो चुका है और वो हैकर लोग सेव भी कर चुके हैं। अगर यहाँ पे आपके पास मोबिक्विक एप्लीकेशन अभी तक इंस्टॉल नहीं है तो इसको समझ लीजिए कि इंस्टॉल करके उसमें आप चेक करो कि आपका वहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड उसमें सेव है कि नहीं। अगर वहाँ पे सेव है तो जल्दी जल्दी जाके उस डेबिट कार्ड उस क्रेडिट कार्ड डिटेल को वहाँ से तुरंत ही हटा दो। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपके अकाउंट में UPI आपने लिंक किया हुआ रखा है, किसी बैंक अकाउंट को रजिस्टर करके रखा है, तो सबसे पहले उसको अनरजिस्टर करके आपको रख दो, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है हैकर यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। अगर आपके अकाउंट का एक्सेस उसके पास चला गया तो वो कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये भी प्रिकॉशन अपनाना पड़ेगा। और अगर गाइस यहाँ पे आपने मोयो की तरफ से यहाँ पे जो डेबिट कार्ड इशू होता है, अगर वो आपने इशू करके रखा हुआ है तो उसको जाके सीधे सीधे आपको यहाँ पे ब्लॉक करना है, बिकॉज उसके थ्रू भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपका यहाँ पे मनी सेव बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इन 3 प्रिकॉशन को अपना के आप यहाँ पे इस स्कैम में थोड़ा बहुत आप यहाँ पे अपने आप को सेफ करा सकते हो, बट यहाँ पे जो भी आपकी KYC डिटेल है, जो भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड की जो डिटेल वहाँ पे गई है, उस सर्वर पे गई है,
वो ऑलरेडी सेव हो चुकी है, उसका कोई यहाँ पे परमानेंट इलाज नहीं है। ओके, वो हैकर कभी भी यूज कर सकता है, बट यहाँ पे जो मेन है वो है आपका मनी, आपकी मनी। भी बहुत सारे यूजर होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, और वो एक ही अकाउंट हर एक एप्लीकेशन में लिंक करके रखे हैं, चाहे वो फोन पे हो चाहे भीम हो, हर एक एप्लीकेशन में यूज करते हैं। बट यहाँ पे काफ़ी लोगों के अलग अलग अकाउंट होते हैं, तो उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना कि आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपके पास सिर्फ एक अकाउंट है तो उसको जल्दी जल्दी जाके आपको या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल यहाँ पे तुरंत ही ब्लॉक करा देनी है अपने नियर बाई बैंक में जाके, या फिर आपको अपना मोबीक्विक अकाउंट में जो जो मैंने प्रोकोशन बताया उन सभी आपको प्रोकोशन को फॉलो कर लेना, बिकॉज यहाँ पे KYC डिटेल तो आपकी लीक हो गई है, बट यहाँ पे आपका मनी सेव हो जाएगा ये अगर आप प्रोकोशन अपनाओगे। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको थोड़ी यूजफुल इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप सबसे मिस ना हो। चलिए गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।